छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों के लिए रंगदारी वसूलने का काम करते थे। इस कार्रवाई से नक्सलियों के वसूली नेटवर्क और उनके मनी ट्रेल का पर्दाफाश हुआ है। राजनांदगांव में नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत मानपुर मोहला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के लिए रंगदारी करने वाले मनी ट्रेल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रंगदारी वसूल कर नक्सलियों को भेजे जाने के सबूत मिले हैं। रंगदारी वसूलने के साथ आरोपी नक्सलियों को सामानों की भी सप्लाई करते थे। आईजी दीपक कुमार झा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 5 आरोपी नक्सलियों के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे और तेंदुपत्ता ठेकेदारों से वसूली कर राशि नक्सलियों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कुछ समय पहले हम लोगों ने सरजू टेकाम के खिलाफ अधिनियम में हम लोगों ने कार्रवाई किया था और जब सूचना के आधार पर उसके यहाँ रेड की गई थी तो काफी सारे विस्फोटक सामग्री और आपत्तिजनक दस्तावेज वगैरह मिले थे। और आज भी मोहला मानपुर पुलिस ने बहुत ही मेहनत से काम करके एक नक्सल टेरर फंडिंग से रिलेटेड एक केस का खुलासा करने में सफलता प्राप्त किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।